हेलो डियर स्टूडेंट, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं शैलेंद्र सिंह सिनवार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की क्लास अभी 7:30 से शुरू हो रही है, मात्र 15 मिनट का आपको गैप मिलेगा और बैक टू बैक क्वेश्चन मिलेंगे लगभग 11:30 से 12 बजे तक। तो रेगुलर क्लासेस को कंटिन्यू रखना है आप लोगों को, बस एक 15 मिनट का गैप मिलेगा। इसके अंदर आपको थोड़ी देर के लिए अपने खाना पीना करना है, उसके अंदर दोबारा क्लास में जुड़ जाना है। बैक टू बैक सेशन आपके पास में कंटिन्यू क्वेश्चन होकर रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करे जाएंगे। सबसे पहली बात, आप लोगों को इन क्वेश्चनों का आंसर सटीक तरीके से पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने का टाइम मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कवर करवाने हैं। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, आंसर देना है और अपने आप को एवेल्युएट करना है, कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको अपने आप पता होनी चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माई डियर स्टूडेंट्स। आराधना, किरण यादव, अभी राठौर, चंद्रशेखर, आशु, अक्षय कुमार, आशु, किरण यादव, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन, हरमान वेरी गुड इवनिंग, अपना पहला क्वेश्चन अवेलेबल है आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन अवेलेबल है आपके पास में, क्वेश्चन अवेलेबल है। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद में तुरंत ही आंसर देना है, आगे बढ़ना है। ज़्यादा रेशनल पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट लेना है क्लासेस के अंदर आपको। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट स्टार्ट द क्लास और अपने पेन कॉपी लेकर के बैठिए। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, नेगेटिव पे कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा, एवेल्युएट करिए खुद को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ए क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ए क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसंस डिजीज कंडीशन आस्क द नर्स, Why would I drool so much? Drooling ज़्यादा क्यों हो रही है? Which is the nurse best response? Nurse का best response क्या रहेगा? तो यहाँ पर answer है आपका level, we don't know why this happened. मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हो रहा है। Option B है, there is a paralysis of the throat muscles. Throat muscles के अंदर क्या हो रहा है? Paralysis हो रहा है, इसलिए हो रहा है। तीसरे number पर है, you have a loss of involuntary movement. आपकी इन्वॉलेंट्री मूवमेंट्स लॉस हो चुकी हैं। फोर्थ नंबर पर है, मसल रिजिडिटी प्रिवेंट्स नॉर्मल स्वेलिंग, मसल रिजिडिटी के कारण से नॉर्मल स्वेलिंग प्रभावित होगी। तो इस प्रकार से आपके पास में अवेलेबल आंसर्स आ चुके हैं ABCD, और आपका जो आंसर जा रहा है वो सी है, वो करेक्ट आंसर आपका क्या है, सी है। याद रखिएगा, इस कंडीशन में आपको कि लॉस ऑफ इन्वॉलेंट्री मूवमेंट का लॉस होगा, इस वजह से एक्सेसिव सेलिवेशन या ड्रूलिंग कंडीशन होगी। बाकी की अगर बात करें तो ये आपका एप्लीकेबल नहीं है, ये आपका एप्लीकेबल नहीं है, ये आपका एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है आपके पास में, द नर्स असिस्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू परफॉर्म ए लंबर पंचर। क्या करने के लिए कहा है? लंबर पंचर करने के लिए कहा है। व्हेन प्रेशर इज प्लेस्ड ऑन द जुगलार वेन, कौन सी वेन पे प्रेशर दे रहा है? जुगलार वेन पे प्रेशर दे रहा है। कौन सी वेन पे प्रेशर दे रहा है? जुगलार वेन पे प्रेशर दे रहा है। कब? लंबर पंचर करने के बाद, मतलब लंबर पंचर ड्यूरिंग द लंबर पंचर प्रोसीजर आप लोग को बोल रहे हैं कि जुगलार वेन पे पेशेंट के प्रेशर दीजिए। स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर इज एक्सपेक्टेड, आपने यहाँ पे प्रेशर दिया और पीछे आपने जहां पर सिरिंज इंसर्ट कर रखा है मैनोमीटर से, आपने वहां पर CSF का प्रेशर बढ़ा, समझ रहे हैं बात को? विच साइन शुड बी द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू बी डॉक्यूमेंट, कौन सा साइन है जो कि इस कंडीशन को एक्सपेक्ट कर रहा है? योर आपका आंसर आ रहा है डी, आपका आंसर आ रहा है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी, क्यूकेन स्टेट टेस्ट में क्या करते हैं? क्यूकेन स्टेट टेस्ट में जुगलार वेन को कंप्रेस करते हैं, जैसे ही कंप्रेशन करेंगे CSF का जो प्रेशर है वो रुकेगा और जैसे ही कंप्रेशन को हटाएंगे CSF बौछार के तरीके से बाहर निकलेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं क्यूकेन स्टेट टेस्ट। होमान साइन DVT से संबंधित है, नॉट रिलेटेड। रोमबर्ग साइन अटैक्सिया से संबंधित है, नॉट रिलेटेड। चोस्टेक साइन हाइपोकैल्शेमिया से संबंधित है, नॉट रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपके पास में डी। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नर्स प्राइमरी कंसीडर व्हेन केयरिंग फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट को जब केयरिंग कर रहा है कोई नर्स, तो प्राइमरी कंसीडरेशन, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, प्राइमरी असेसमेंट कंडीशन क्या होगी? प्राइमरी बात कर रहे हैं, प्रायोरिटाइजिंग केयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रायोरिटाइजिंग केयर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चनों के कंसेप्टों को समझना है आप लोगों को, मैंने बहुत ढंग से समझाया है ये आपको कंसेप्ट में YouTube क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, जब पेशेंट किसी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट की प्राइमरी केयर कर रहा है, तो यहाँ पर मेन चीज क्या देखने को मिलेगी? प्राइमरी केयर किसके ऊपर रहेगा? तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए बी, कम्फर्ट। बिल्कुल आंसर आप लोगों का सही है, कम्फर्ट के ऊपर रहना चाहिए, कम्फर्ट। क्योंकि यहाँ पर अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, फटाफट से आंसर दीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए,
रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए कौन सी हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए कौन सी हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाती है, फटाफट से आंसर को पुट करें, फटाफट से आंसर को पुट करें, तो आपका आंसर जो होगा, फटाफट से आंसर को पुट करना है आप लोगों को, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए कौन सी हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे, फटाफट से आंसर को पुट करना है। और आपको यहां पर होगा पैराफिन बाथ, क्या होगा दोस्तों, पैराफिन बाथ, पैराफिन बाथ, याद रखिएगा कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन है ये, आपको याद रखने हैं जो मैं बता रहा हूँ। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन कौन सी देंगे आप लोग, पैराफिन बाथ देंगे। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन बोल रहा है, द नर्स रिसीव ए चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट फॉर ए क्लाइंट हु हैड ए टोटल रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट 24 आवर, मतलब 24 घंटे पहले टोटल हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किया गया है। आफ्टर रिव्यूइंग द क्लाइंट्स क्लिनिकल रिकॉर्ड, सो क्लिनिकल रिकॉर्ड आ चुका है आपके पास में, एंड कंप्लीटिंग ए फिजिकल असेसमेंट, पूरा फिजिकल असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लिकेशन शुड बी ए नर्स कंक्लूड द क्लाइंट इज एक्सपीरियंस। याद रखिएगा हाथी का दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, मतलब क्या है कि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही सिंपल होगा, एज पर सिनोरियो, एज पर सिंपल, हमेशा जितना बड़ा क्वेश्चन आए मन में खुशी हो जानी चाहिए, समझ रहे हैं बात को। और क्वेश्चन करने का तरीका, मेन लाइन को पकड़ लो, मेन लाइन को पकड़ लो, वेरी प्रतीक्षा, वेरी गुड इवनिंग राजपूत जी, और उसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर को पुट करें, फटाफट से आंसर को पुट करें। टोटल कहानी यह है कि पेशेंट को क्या हुआ है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट कंडीशन हुई है, क्या है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट है, मतलब क्या हुआ है, मेजर लॉन्ग बोन्स क्या हुई है, क्रैक हुई है या फिर कंडीशन क्रैक के ऊपर है। तो यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करें हिस्ट्री में, तो यहां पर हिस्ट्री में क्या आ रहा है, टेम्परेचर 104, पल्स 100, रेस्पिरेशन 30, बीपी 160/90, और यहां पर पेशेंट कह रहा है कि पेशेंट के पेटिकाइल रशेस ऑन द नेक एंड द चेस्ट, यूरिन कलेक्शन किया गया, अल्टर्ड लेवल एग्रिटेशन कंडीशन है। तो याद रखना, एक चीज याद रख लेना इस क्लास के अंदर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वर्ड आपको जरूर कहीं ना कहीं दूसरे स्टूडेंटों से दूर कर देगा और आपको सफलता के पास में लेकर जाएगा, उसे बोलते हैं पेटिकाइल रशेस। याद रखिएगा ये पेटिकाइल रशेस दो, सिर्फ दो कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू, अगर अपन बात करें 10 साल के एग्जाम्पल पैटर्न के ऊपर के जो एग्जाम में जो पेपर आता है उसके ऊपर पेटिकल रशेस सिर्फ दो क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा हैवी अनाउंस करता है, जिसको देखते अपन को आंसर क्लिक होना चाहिए। पेटिकल रशेस चेस्ट के ऊपर, ब्लूज का डिस्कलरेशन कंडीशन, पेटिकल रशेस प्रेजेंट, सर ने क्या बताया था, तो याद रखना फैट एम्बोलिज्म, क्या, फैट एम्बोलिज्म, और दूसरे नंबर पर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। दोनों कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, दोनों कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा पैटिकल रशेस। अब आपको पता है लॉन्ग बोन टूटेगी, पहले 24 से 48 घंटे के अंदर पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लॉन्ग बोन टूटने के कारण से फैट एम्बोलिज्म होने के चांसेस रहते हैं। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ए, फैट एम्बोलिज्म, लॉन्ग बोन टूट रही है तो आपको, लॉन्ग बोन टूट रही है तो फिर आपका आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहली बात के पेटिकल रशेस देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो सारे के सारे जो साइन सिम्टम्स है वो आपके पास में एम्बोलिज्म की कंडीशन बता रहे हैं, किसकी कंडीशन बता रहे हैं, एम्बोलिज्म की कंडीशन बता रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द डायग्नोसिस ऑफ द यूरल लिथियासिस। यूरल लिथियासिस का मतलब आपको पता होना चाहिए, लिथियासिस का मतलब स्टोन का फॉर्मेशन कंडीशन इन द यूरो। द नर्स रिव्यू द क्लाइंट्स क्लिनिकल रिकॉर्ड, क्लिनिकल रिकॉर्ड ये आपके पास में दे रखा है, इसको पढ़ रहा है, परफॉर्म एंड एडमिशन असेसमेंट विच इज द प्रियोरिटी नर्सिंग एक्शन। मैंने आपको बताया प्रियोरिटी, अगर ये भी मत पढ़ो, ये भी मत पढ़ो, प्रियोरिटी का क्वेश्चन आ जाए तो ए बी सी डी के ऊपर चलो, इंजरी के ऊपर चलो, पेन के ऊपर चलो, यही आपके प्रियोरिटी के नर्सिंग इंटरवेंशन होंगे, समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर क्या कह रहा है, स्ट्रेन द क्लाइंट यूरिन, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेन द क्लाइंट यूरिन दो कंडीशन में प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगा। अगर किसी पेशेंट को किडनी स्टोन है तो यहां पर उसके यूरिन को छानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, टू डिटेक्ट द एनालिसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द स्टोन। सेकंड नंबर पे एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मॉर्फिन, मतलब पेशेंट को मॉर्फिन देना है, पेशेंट को हाई फॉलर पोजीशन देनी है, कलेक्ट यूरिन स्पेसिमेंट फॉर द कल्चर एंड द सेंसिटिविटी, मतलब सारे के सारे प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन के। इस क्वेश्चन में हमको क्या देखना पड़ेगा, चार्ट देखना ही पड़ेगा। यहां पर चार्ट की बात करें तो चार्ट आपके पास में जब आपके पास में आएगा, आप जब इस पीपीटी अगर आपको क्लियर नहीं दिख रही हो तो यहां पर आप लोग देखेंगे,
कि पेशेंट को सीवियर पेन है, एक ही लाइन लिख रही है सीवियर पेन है, तो सीवियर पेन में, तो सीवियर पेन की कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग, आप लोग बी आंसर करेंगे, मॉर्फिन देंगे। यूरोलिथियासिस कंडीशन में सीवियर पेन होता है, शॉर्ट ट्रिक में समझ लीजिए। यूरोलिथियासिस कंडीशन में सीवियर पेन होता है, शॉर्ट ट्रिक में समझ लीजिए। जो आपका आंसर करेक्ट क्या होगा, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, कि आपको उस पेशेंट को मॉर्फिन प्रिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वीक डिसिप्निक टर्मिनली इल, क्या बोल रहा है, वीक है, डिसिप्निक है, सांस लेने में दिक्कत, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन को हमेशा याद रखिएगा। फटाफट से आंसर दें, अपने आप को इवैल्यूएट करें, कितना गलत किया है वो पता होना चाहिए, कितना सही किया है वो पता होना चाहिए। संघ में बैक टू बैक क्वेश्चन सेशन चलेगा, तो आपको उनके ऊपर तैयार रहने बिल्कुल तरीके से, 15 मिनट का गैप मिलेगा लास्ट आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ चुका है, डिसिप्निक पेशेंट है, टर्मिनल इल पेशेंट है, क्लाइंट विद विजिटेड फ्रीक्वेंटली बाय द स्पाउस एंड द टीनेज चिल्ड्रन। क्लाइंट के पास मिलने के लिए कौन आ रहे हैं, स्पाउस मिलने के लिए आ रहे हैं, और कौन आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। विच इज अ प्लान ऑफ केयर इंक्लूड, कौन सा प्लान ऑफ केयर इंक्लूड होना चाहिए। मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो चीज क्या थी, अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर टर्मिनली इल आ जाए, कहीं पर भी पेशेंट क्वेश्चन के अंदर टर्मिनली और इल आ जाए, तो इसका मतलब आपको तुरंत समझना है कि यह क्वेश्चन फंडामेंटल का हॉस्पाइस केयर में गया, किसमें गया, हॉस्पाइस केयर में गया। इसका मतलब क्या है, टर्मिनल इल मतलब मरणासन्न व्यक्ति, जिसका कंफर्म डेथ है आने वाले टाइम के अंदर, वो मरने वाला है, उसका जो केयर देंगे वो क्या होगा, हॉस्पाइस केयर देंगे। ऑप्शन में आपको देखना है, ऑप्शन में आप लोगों को क्या देखना है, ऑप्शन में देखना है कि कंफर्ट मीजर देने है, क्या देने है, कंफर्ट मीजर देने है, आरामदायक मौत देनी है, लास्ट टाइम पे साइन सिम्टम्स को रिलीव करना है, आरामदायक मौत देनी है, ऐसा कुछ ऑप्शन में लिख रहा है, नहीं मिल रहा। तो यहां पर इसका सेकंड नंबर पे दो याद बात याद रखनी है कि अंत समय पे एक ऐसी हॉस्पिस केयर, एक ऐसी केयर होती है जिसके अंदर फैमिली के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि पेशेंट लास्ट टाइम पे ये चाहेगा, पेशेंट लास्ट टाइम पे चाहेगा कि सारे फैमिली मेंबर उसके संग में मिले। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सी, समझ रहे हैं बात को। यहां पर अगर आपके पास में कोई ऑप्शन में यहां पर कंफर्ट मीजर होता तो वो कर देते हैं। अब यहां पर क्या है कि पेशेंट को लास्ट टाइम अपने फैमिली मेंबरों के संग में मिलना है, तो ये आपके लिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी, करेक्ट आंसर आर सी। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड इज रिसीव 60 mg फेनिटोइन, 60 mg फेनिटोइन दे रहे हैं, मेडिकेशन अवेलेबल एज एन ओरल सस्पेंशन दैट कंटेन्स 125 mg पर 5 ml। देखो मैंने इस क्वेश्चन को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ड्रग कैलकुलेशन को कम से कम माने 10 घंटे तक सॉल्व करवाया, और अगर यूट्यूब की बात करें तो मैंने कम से कम इसको मैंने 3 दिन मतलब 3 घंटे में इसको यहां पर यूट्यूब पे पढ़ाया। यहां पर लाने का उद्देश्य कहीं आप लोग भूल नहीं जाओ क्वेश्चन करने का पैटर्न, ज्यादा कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि दोनों को मैंने एमजी एमजी रखा है। अपन को पता है एक्स इजिकल टू क्या होता है, डी अपॉन ए इंटू क्यू, डी मतलब डिजायर डोज, ए मतलब अवेलेबल डोज, क्यों मतलब कितनी अवेलेबल है, डी कौन देगा, डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर ने बोला ये डोज देनी है, डॉक्टर डोज कितनी हो गई 60 mg, समझ रहे हैं, अवेलेबल डोज कितनी है 125 mg, कितने में अवेलेबल है, 5 के अंदर अवेलेबल है, तो यहां पर आपने लिखा 125 mg और कितने में अवेलेबल है 5, तो क्यू क्या हो गया 5 ml, ए क्या हो गया 125 और डी क्या हो गया 60 mg, से mg काट देंगे डायरेक्ट ही। अब अगर अपन बात करें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, समझ रहे हैं बात को, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। अब यहां पर काटें 5 से ही 5 25 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, समझ रहे हैं। अब अगर अपन भाग दें 12 में 5 का, तो 5 दूनी 10, 2 दशमलव लगाया, 0 उतारा, 5 चौका 20, तो कितना आ गया करेक्ट आंसर, 2.4 ml, 2.4 ml, समझ रहे हैं बात को। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया ताकि आप लोगों का जो पैटर्न है वो आपको याद रहे, समझ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन को करेंगे फटाफट से। अ 3-year-old चाइल्ड विद एस्जेमा, पेशेंट को क्या है, स्किन की डिजीज कंडीशन है, एस्जेमा कंडीशन है, ऑन द फेस एंड द आर्म्स, कहां कहां पर है एस्जेमा, फेस पर है और आर्म पर है। डिसरिगार्डेड द नर्स वार्निंग टू, नर्स पेशेंट को कह रहा है, पेशेंट है कितने साल का है बच्चों, 3 साल का बच्चा है, और नर्स वार्निंग दे रहा है, कह रहा है स्टॉप स्क्रैचिंग, खोजाना बंद कर दो, स्टॉप स्क्रैचिंग मतलब वेलकम वॉज द ग्रेट एक्सप्लेन, थैंक यू पटेल बस्तीराम जी मेरे छोटे भाई। नेक्स्ट नंबर पे स्टॉप स्क्रैचिंग एल्स द नर्स फाइंड द टोडलर स्क्रैचिंग सो इंटेंसली, नर्स कह रहा है फाइंड द टोडलर स्क्रैचिंग इंटेंसली, बार बार क्या है टोडलर स्क्रैचिंग कर रहा है इंटेंसली, दैट द आर्म्स आर ब्लीडिंग, मतलब जो पेशेंट के हाथ है उसके ऊपर खून आ गया है,
समझ रहे हैं, द नर्स देन टाइज द टोटलर, क्या कर दिया है गौर से समझिएगा, गौर से मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं कि टाइज द टोटलर, टोटलर को क्या करा है, तीन साल के बच्चे को बांध दिया है, रेस्ट्रेन कर दिया है आर्म एंड क्रिप्साइड्स, कहां से क्रिप्साइड से बांध के कर दिया है, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पे सेइंग, और संग में क्या कह रहा है, आई एम गोइंग टू टीच यू ऑन अनदर वे, मेरे आई एम गोइंग टू टीच यू, उसको बांधने के बाद में क्या कह रहा है, आई एम गोइंग टू टीच यू ऑन वे अनदर, हाउ शुड आई नर्स बिहेवियर बी इंटरप्रिटेटेड, नर्स का बिहेवियर कौन सा इंटरप्रिटेशन को दे रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो आप लोग के आंसर फटाफट से पुट कर दीजिए, देखो इसके अंदर दो लाइन है, सबसे पहली लाइन ये है कि पेशेंट नर्स ने क्या किया, तीन साल के बच्चों को बांध दिया, बांध दिया तो क्या लगा, बैटरी, बांध दिया तो क्या लगा, बैटरी लगा, समझ रहे हैं बात को। और दूसरे नंबर पे इंग्लिश में बोल रहा है आई एम गोइंग टू टीच यू अनदर वे, अब अगर इंग्लिश में बोले तो अच्छा कोई सभ्य इंसान लग रहा है, लेकिन अगर इसको देशी भाषा में बोले मुझे और भी तरीके आते हैं तेरे को समझाने के, बाहर मिल, समझ रहे हैं, इस प्रकार से बातें करते हैं अपन लोग, नहीं करनी चाहिए इस प्रकार से बातें। तो यहां पर अगर बोले का आई नो अनदर वे टू टीच यू, मुझे और भी तरीके आते हैं तेरे को समझाने के, और क्या कर दिया, उसको बांध दिया, इसका मतलब उसने एक तो बांधा जो बैटरी लगा, और बोला जो धमकी लगी, ऑफेंसिव थ्रेट दिया तो अजॉल्ट भी लगा, क्या लगा, अजॉल्ट भी लगा, समझ रहे हैं बात को। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास में, ए, करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए, करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास में, ए। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट विद कैंसर ऑफ द लंग्स, कैंसर ऑफ द लंग्स है, सेज टू द नर्स इफ आई कुड जस्ट बी फ्री ऑफ पेन ऑफ फ्यू डेज, मेरे को कुछ दिन के लिए अगर दर्द फ्री हो जाए, आई माइट बी एबल टू ईट मोर एंड रिगेन स्ट्रेंथ, मैं अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से ले लूंगा, समझ रहे हैं बात को। ग्रेविंग प्रोसेस में कौन सा है आपके सामने, ये आपको बताना है। तो डाबडा आपके पास में क्लियर है, क्यूबलर रॉस की स्टेजेस होती हैं, डाबडा लगाना है, और वो बोल रहा है कि ये लंग्स कैंसर हुआ है, अगर मेरे कुछ दिन का दर्द खत्म हो जाए तो मैं खा पी करके ऑरेंज का जूस पीकर दोबारा से स्टेमिना ले लूंगा, मतलब क्या कर रहा है, मांडवाली कर रहा है, किसके संग में मांडवाली कर रहा है मांडवाली कर रहा है अपनी जिंदगी के संग में। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट आस्क द नर्स शुड आई टेल माय पार्टनर दैट आई जस्ट फाउंड एचआईवी पॉजिटिव, मेरे को अभी एचआईवी पॉजिटिव हुआ है, और ये क्या मुझे अपने पति के संग में या पार्टनर के संग में डिस्कस करनी चाहिए। नर्स का पहला रेस्पॉन्स क्या होगा, मैंने बताया प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है, दमित भावनाओं को, सप्रेस्ड फीलिंग्स को इवैक्यूलेट करना, सप्रेस्ड फीलिंग्स को इवैक्यूलेट करना, समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर ये कह रहा है, फीमेल पार्टनर कह रहा है कि मेरे को अभी एचआईवी पॉजिटिव हुआ है, क्या मुझे अपने पति के संग में डिस्कस करना चाहिए, मेरे पार्टनर के संग में डिस्कस करना चाहिए, आपका रेस्पॉन्स क्या होगा, दिस इज डिसीजन यू मेक अलोन, ये आपका डिसीजन है, ये आपको अपने आप लेना चाहिए, ऐसा कहकर के आपने कम्युनिकेशन बंद कर दिया, एनपीआर बंद कर दिया, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप खत्म कर दिया, जो आपने महीनों से सालों से जो आपने रिश्ता बनाने की कसम खाई थी वो क्या कर दिया आपने, बंद कर दी। दूसरे नंबर पर डू नॉट टेल योर पार्टनर अनलेस आस्क्ड, जब तक पूछे नहीं जब तक बताना नहीं, समझ रहे हैं बात को। तो ये भी आपको नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपके ऊपर ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस का दोष लगेगा, समझ रहे हैं, पर्सनल फीलिंग्स को पेशेंट पे अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट नंबर पे यू आर हैविंग डिफिकल्टी डिसाइडिंग व्हाट टू से, आपको सोचने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल, एक्सप्लोर द सप्रेस्ड फीलिंग्स, याद रहेगा तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा। टेल योर पार्टनर दैट यू डोंट वॉन्ट टू हाउ बिकम सिक, आपके पास में जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर सी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग के इस प्रकार के क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे। ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इज इन नाउ थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर है, द क्लाइंट टेल्स द नर्स आई वांट टू बी नॉक्ड आउट फॉर द बर्थ, मैं बर्थ के टाइम पे जागना नहीं चाहती हूँ, हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, किस प्रकार का रेस्पॉन्ड रहेगा। मैंने बताया इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर प्रायोरिटाइजिंग केयर के अंदर आपको सबसे पहले देखना है कि आपको एक्सप्लोर द फीलिंग्स करना है, समझ रहे हैं, यू आर वरीड अबाउट टू मच पेन, क्या आपको बहुत ज्यादा दर्दों से डर लगता है, ऐसा कह के आप लोग उसको और डरा रहे हो। नेक्स्ट नंबर पे यू डोंट वांट टू बी अवेक ड्यूरिंग द बर्थ, आप लोग डोंट वांट, क्यों नहीं चाहती हो, क्यों नहीं चाहते हैं आप बर्थ के टाइम पे जागना। नेक्स्ट नंबर पे आई कैन अंडरस्टैंड दैट लेबर इज बिकम अनकंफर्टेबल, मुझे पता है लेबर बहुत अनकंफर्टेबल होता है। नेक्स्ट नंबर पे आई विल टेल योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट दिस रिक्वेस्ट, मैं इस रिक्वेस्ट को आपके डॉक्टर को कह दूंगी, ऐसा कह के आप लोगों ने कम्युनिकेशन बंद कर दिया, गलत। सी नंबर पे आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज लेबर, आपने उसको बोला कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ लेबर बहुत अनकंफर्टेबल होती है, ऐसा कह के आपने उसको डरा दिया। नेक्स्ट नंबर पे जो बचा क्या,
ये क्वेश्चन आंसर आपका सही होगा, आंसर बी। ऐसा कहकर के आप लोग बोलेंगे कि यू डोंट वांट टू बी अवेक ड्यूरिंग द बर्थ। अब वो आपको बताएगा कि मैंने सुना है कि लेबर पेन बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, तो आप किसी भी प्रकार से उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि लेबर पेन होते कंफर्ट है लेकिन बच्चों के लिए बहुत, जो आपका बेबी है वो बहुत यूजफुल रहेगा, इसके अंदर किसी प्रकार की दवाई का यूज नहीं होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, एक्स वाई जेड। तो आप उसको इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो, पर कब कर सकते हो, जब आप उससे पूछोगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स एक्सपेक्ट ए क्लाइंट विद हाइपरकैलेमिया एग्जिबिट। हाइपरकैलेमिया के संग में जो एग्जिबिट कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, सिलेक्ट ऑल द अप्लाई है, हाइपरकैलेमिया के साइन अपडेट कर रहे हैं, फटाफट से आंसर को पुट करें, फटाफट से आंसर को पुट करें, फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, फटाफट से आंसर को पुट करें। फटाफट से आंसर को पुट करें। देखिए आपको तरीका बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहली बात तो हाइपोकैल्शियमिया में याद रखना है हाइपर एक्टिव डीप टेंडेंस रिफ्लेक्सेस होंगे। क्या होंगे? हाइपर एक्टिव डीप टेंडेंस रिफ्लेक्सेस होंगे, क्योंकि कंटिन्यूअसली न्यूरोनल फायरिंग होगी, न्यूरोनल फायरिंग कंटिन्यूअसली होंगी, डीप टेंडेंस रिफ्लेक्सेस हाइपर रहेंगे। इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पेशेंट को क्या होगा, आपको याद रखना है डायरिया होगा। क्या होगा? डायरिया होगा। अब बात करें हाइपर कैल्शियमिया में, तो हाइपर कैल्शियमिया में जो रिफ्लेक्सेस डाउन हो जाएंगे तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होना है। ये आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका है, बाकी आपको पता ही है कि हाइपो कैल्शियमिया में चोएस्टेक साइन होता है, प्रोसियस साइन होता है, और उसके बाद मसल स्पास्म होता है, कार्पोपेडल मसल स्पास्म होता है, सब कुछ याद है। अब बात करें हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया की। हाइपोकैलेमिया हाइपरकैलेमिया में आपको बेसिकली मैं जो वर्ड बता रहा हूँ ना वो डायरिया के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। किसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ मैं? डायरिया के ऊपर। डायरिया किस में होगा किस में नहीं होगा ये आपको कन्फ्यूजन करेगा, तो याद जो तरीका बता रहा हूँ उसको दिमाग में जचा लीजिएगा। देखिए जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन इन द स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर जो पोटेशियम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन जरूरी है? पोटेशियम जरूरी है। अगर पोटेशियम की कमी हो तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होगा, तो इस पेशेंट में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, और पोटेशियम ज़्यादा है तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, डायरिया होगा। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, यही आपको कन्फ्यूज करेगा, डायरिया ही घुमाएगा आपको। देखिए टिटैनी कंडीशन फाउंड इन द हाइपोकैल्शियमिया कंडीशन, सीजर्स कंडीशन इज प्रेजेंट इन द हाइपरनेट्रेमिया कंडीशन, डायरिया वीकनेस एंड डिसरिथमिया ऑल सीन आर प्रेजेंट इन द हाइपरकैलेमिया कंडीशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सी डी ई। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी डी ई। करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा सी डी और ई। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट आईवी इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट, समझ रहे हैं बात को? आईवी इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब या एक्स्ट्रावेसेशन, एक्स्ट्रावेसेशन, एक्स्ट्रावेसेशन किसे बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं सीपेज ऑफ फ्लूड आउट ऑफ द वेन इनटू द सराउंडिंग कंडीशन, मतलब आपने जब आईवी कैलोना फिक्स किया वो डायरेक्ट वेन में लग करके और आउट हो जाए, और जो फ्लूड आप चढ़ाए वो डायरेक्ट वेन में नहीं जाए, सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर इकट्ठा होता रहे, तो इस कंडीशन को आप लोग क्या बोलेंगे, इन्फिल्ट्रेशन कंडीशन बोलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा फेलियर टू सिक्योर द कैथेटर एडिक्वेटली। यहां पर क्लासिकल साइन की बात याद रखिएगा आप लोग, इन्फिल्ट्रेशन कंडीशन में क्लासिकल साइन होता है कूलनेस का, और फ्लेबाइटिस की बात करें तो फ्लेबाइटिस में क्लासिकल साइन होता है आपके पास में हीट का या फिर रेडनेस का। अगर बात करें आपके पास में कैथेटर एम्बोलिज्म की, कैथेटर एम्बोलिज्म कंडीशन में अगर बात करें तो पेशेंट जब अगर टिप ऑफ कैथेटर प्रिक होगा तो क्या होगा, वहां पर कॉर्ड लाइक वेन होगी, क्या होगी, कॉर्ड लाइक वेन होगी। अगर बात करें आपके पास में इन्फेक्शन की तो पेशेंट के अंदर क्लासिकल साइन होगा और वो होगा इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर। अगर बात करें हाइपरवोलेमिया की, सर्कुलेटरी ओवरलोडेड की, तो इस पेशेंट के अंदर जुगलार वेन क्या होगी, डिस्टेंडेड होगी, क्या होगी, डिस्टेंडेड होगी। ये क्लासिकल साइन है, ये पूरे क्लासिकल साइन आपको याद रखना है, नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर पुट करना है, आंसर को निकालना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट हैज एक्सटेंसिव प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी। फटनाइम्स 2015 से इस क्वेश्चन की शुरुआत हुई, मोस्टली कई बार एग्जाम में आता रहता है, याद रखिएगा आप लोग, प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी, प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी टेंशन और स्ट्रेस, इलनेस
इलनेस, ये चारों पांचों जो फैक्टर है ये खतरनाक होते हैं। किसी कंडीशन में पेशेंट की बीमारी है और उस कंडीशन के संग में ये और मिल रहा है तो मतलब क्या होगा, बस से बदतर कंडीशन होगी। यहां पर अगर रेशनल की बात करें तो ये क्या करता है, ये क्या करता है आपके सामने एल्डोस्टेरोन के वैल्यूएशन को बढ़ा देता है, एल्डोस्टेरोन के वैल्यूएशन को बढ़ा देगा। इसका मतलब सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा, पोटेशियम का रीअब्सॉर्प्शन घट जाएगा। तो पेशेंट के अंदर किस को क्लोजली मॉनिटर किसको करना है, क्लोजली कार्डियक डिसरिथमिया कंडीशन के ऊपर आंसर जाएगा तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, डी आंसर करेक्ट होगा, पोटेशियम को क्लोजली मॉनिटर करना है। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आंसर देना है, खुद को एवेल्युएट करना है, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा बात को। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट रिपोर्ट सीवियर पेन टू डेज आफ्टर सर्जरी, पेशेंट को क्या है कॉर्स समझिएगा, क्लाइंट रिपोर्ट दैट सीवियर पेन हो रहा है, कब हो रहा है, दो दिन बाद में, कब, आफ्टर सर्जरी, विच इनिशियल एक्शन शुड बी द नर्स टेक आफ्टर असेसिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेन, फटाफट से आंसर को पुट करें। यस, फटाफट से आंसर को पुट करना है आपको। देखिए आप लोगों का जो आंसर एक लाइन में एक साथ आने चाहिए, क्यों, बी आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, बी आंसर होने वाला है। याद रखिएगा जो स्टूडेंट बोलेंगे सीवियर पेन हो रहा है और एनाल्जेसिक्स एडमिट कर दो, तो भाई आपको याद रखना है कि पेशेंट को एनाल्जेसिक्स एडमिट करने से पहले वाइटल साइन चेक करना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसको ऑलरेडी एनाल्जेसिक दे रखा है तो कहीं उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, समझ रहे, और आपने एनाल्जेसिक दे दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ रहे बात को। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का, करेक्ट आंसर होने वाला है आप लोगों का आंसर बी। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अवेलेबल है, फटाफट से आंसर को पुट करिए। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर को पुट करिए। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में, हाँ बिल्कुल स्वर्णिमा सिंह, फटाफट से आंसर को पुट करेंगे, रेडियम इंसर्टेड इन द वेजाइना, समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर आपके पास में रेडियम इम्प्लांट इंसर्ट किया गया है वेजाइना के अंदर, क्लाइंट इज नाउ बीइंग रिमूव्ड, क्या हो गया, रिमूव्ड हो चुका है, समझ रहे हैं बात को। बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है समझिए, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी द नर्स एम्प्लॉय व्हेन असिस्टिंग विद द रेडियम रिमूवल, रेडियम को रिमूव करते समय आपको कौन से असेसमेंट को दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, यहां पर बात करें कीमोथेरेपी की तो आपके पास में ब्रेकी थेरेपी होती है, टेली थेरेपी होती है, टेली से अपन को मतलब नहीं है, अपन ब्रेकी थेरेपी के ऊपर बात करते हैं। ब्रेकी थेरेपी आपको दो कंडीशंस में देखने को मिलेगी, सारे में से क्वेश्चन बनते हैं, समझ लीजिएगा फटाफट से, इसलिए लिख रहा हूं वरना लिखता नहीं मैं। ब्रेकी थेरेपी एक तो सील्ड होती है, एक अनसील्ड होती है, एक तो होती है सील्ड और एक होती है अनसील्ड। अरे दोस्तों अनसील्ड की बात करें तो अनसील्ड तो डायरेक्ट ही आपने क्या ओरली दे दी और आईवी दे दी, ब्लड के अंदर दे दी, अनसील्ड की तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सील्ड है, सील्ड क्या करेगी, आपको कैविटीज के अंदर इंसर्ट करनी है, अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर आपको कैविटी के अंदर इंसर्ट करना है, कोई भी बॉडी कैविटी के अंदर आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। अब यहां पर इंटरवेंशन आपको याद रखने चाहिए, सबसे पहली बात तो 30 मिनट का कंसेप्ट समझ लो, 30 मिनट का कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहली बात जो हेल्थ वर्कर है, हेल्थ वर्कर अपनी ड्यूटी के अंदर पूरे ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी के अंदर कितने मिनट, 30 मिनट पेशेंट को कॉन्टेक्ट करेगा। दूसरे नंबर पे एक पेशेंट के संग में दूसरे पेशेंट को नहीं देखेगा, कंफर्म एक पेशेंट पे ही चलेगा, ओनली 30 मिनट के लिए होना चाहिए। लैड कंटेनर आपको पहन करके रखना है ताकि टॉक्सिटी ज्यादा नहीं हो। नेक्स्ट नंबर पे बात करें तो उससे मिलने वाले विजिटर्स की बात कर रहे हैं, तो विजिटर्स के लिए आपको अवेलेबल क्या होना चाहिए, विजिटर्स के लिए आपको जो 24 घंटे के अंदर ओनली 30 मिनट देने हैं, मिलने के लिए कितने मिनट देने हैं आपको, ओनली 30 मिनट आपको देने हैं। और सबसे बड़ी बात जो एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है, क्या आपको कितने दूरी बना करके रखनी है विजिटर्स को, तो 6 इंच की दूरी बना करके आपको पेशेंट से बना करके मस्ट असेंशियल रखनी है। अब अगर बात करें कि कोई भी इम्प्लांट क्या जो किया गया इम्प्लांट है सील्ड वो डिस्क्लोज्ड हो जाए तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, ये नहीं है कि उसको टॉर्च लेकर के ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको क्या करना है लॉन्ग हैंडेड क्या करना है आपको क्लीन द रेडियम नहीं, वियर द फॉयल लाइंड नहीं,
Ensure that the long forceps are available to removing the radium. Long forceps available होना चाहिए. Long forceps आपके हाथ में available होना चाहिए. तो आपके हाथ में जो correct answer होगा वो क्या होगा? C. Document how long the radium was be placed and where it be removed. समझ रहे हैं? तो आपका जो correct answer होगा वो C होगा. सारे के सारे जो लिखे हैं वो question के ऊपर dependent है. तो याद रखिएगा कि इन concepts को आपको याद रखना है. ये brachytherapy के types हैं, sealed और unsealed. Next number पे next question. What is the priority nursing intervention? Priority nursing intervention where a client during the immediate post-operative patient. मैंने इस प्रकार की condition बताई है, exam के अंदर बहुत simple question लग रहा है, लेकिन आएगा, आएगा, जरूर आएगा और ABC को लेकर के आएगा, आएगा ABC को लेकर के आएगा, पर आपको pattern याद रखना है. सबसे पहले airway, उसके बाद breathing और उसके बाद में circulation. तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, monitor vital sign, observing hemorrhage मतलब C, मेंटेनिंग पेटेंसी एयरवे मतलब बी, और उसके बाद में रिकॉर्डिंग इनटेक एंड आउटपुट अदर. तो एबीसी के ऊपर बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा करेक्ट आंसर आपका सी. करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन. फटाफट से इन प्रकार के क्वेश्चंस को करते हुए आगे कंटिन्यूअसली. ए पोस्ट मीनोपॉजल वूमेन, क्या है पोस्ट मीनोपॉजल वूमेन? है कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट. फटाफट से ब्रेस्ट कैंसर की ड्रग ऑफ चॉइस लिख दीजिए. फटाफट से ब्रेस्ट कैंसर की ड्रग ऑफ चॉइस लिख दीजिए. समझ रहे हैं बात को? तो द कैंसर ऑफ ब्रेस्ट टू हैव ए लंपेक्टोमी फॉलोड बाय द कीमोथेरेपी. समझ रहे हैं? आफ्टर रिसीविंग ए कीमोथेरेपी फॉर अ सेवरल वीक शी स्टेट दैट नर्स इज आई डोंट मेडिकेशन एट द टाइम ऑफ रिसीविंग. चेक द लेबोरेटरी रिजल्ट एंड ऑब्टेन द क्लाइंट्स वाइटल साइन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच शुड बी नर्स कंक्लूड इन दिस क्लाइंट प्रियोरिटी. प्रियोरिटी की बात कर रहा है. आपके पास में वाइटल्स अवेलेबल है, पूरे अवेलेबल है. सबसे पहली बात, दवाई का नाम क्या है? आपके पास में दवाई का नाम है साइक्लोफॉस्मामाइड. समझ रहे? साइक्लोस्पोरिन साइक्लोफॉस्मामाइड क्या होगा? टी सेल सुप्रेसेंट है. क्या है बेटा? टी सेल. बिल्कुल सही है. टमोक्सिफ्लेम, टमोक्सिफ्लेम. समझ रहे? टमोक्सिफ्लेम. बिल्कुल सही चल रहे हैं आप लोग. अब यहां पर बात करें साइक्लोस्पोरिन साइक्लोफॉस्मामाइड, ये क्या होता है? टी सेल सुप्रेसेंट होता है. यहां पर अगर आप लोग लेबोरेटरी वैल्यू देखेंगे तो 3000 जा रही है. क्या जा रही है? 3000 जा रही है. जानी कितनी चाहिए? 10 से 14000 तक जानी चाहिए. कितनी जा रही है? 3000 जा रही है. WBC डाउन गई. डाउन गई तो किस पेशेंट किस में जा रहा है? इन्फेक्शन में जा रहा है. इन्फेक्शन में जा रहा है. इनको ही रोकने के लिए पेशेंट को आइसोलेट रखा जाता है. लेकिन अब हो चुकी है गड़बड़. आइसोलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही कि WBC गई और इन्फेक्शन में जा रहा है. तो आपको प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन किसके ऊपर आंसर क्लिक करना है? आंसर बी, प्रिवेंट इन्फेक्शन. नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन. ए क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉलोड बेड रेस्ट आफ्टर सर्जरी. क्या है? प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट आफ्टर सर्जरी मतलब सर्जरी के बाद में लंबे समय से क्या कर रहा है? बेड रेस्ट कर रहा है. विच कॉम्प्लिकेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट टू प्रिवेंट बाय टीचिंग दिस क्लाइंट टू अवॉइड द प्रेशर ऑन द पॉपलिटल स्पेस. समझ रहे हैं बात को? ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया था कि पेशेंट जो कि इमोबाइल हो, अब इमोबाइल का कारण चाहे तो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन हो या फिर आफ्टर फ्रैक्चर कंडीशन हो, तो यहां पर क्या होता है? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है. और इस थ्रोम्बस के फॉर्मेशन में अगर आप लोग मसाज कर दें, टच कर दें, तो डू नॉट मसाज का एक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए. कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एम्बोलस बन जाएगा. और इस कंडीशन को बोलेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कंडीशन. क्या बोलेंगे आप लोग? पल्मोनरी एम्बोलिज्म कंडीशन. तो आंसर क्या होगा? आंसर बी. फटाफट से आंसर को पुट करना है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए. बात समझ रहे हैं बात को? यहां पर ज्यादा समझाएंगे नहीं, क्वेश्चन पे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करवाऊंगा आज के दिन. फटाफट से आंसर को पुट करें. देखिए क्लाइंट है, उसको क्या देना है? फॉर विच क्लाइंट, कौन सा क्लाइंट? 1, 2, 3, 4 प्रकार के क्लाइंट दे रखे हैं. कंक्लूड ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर डिजॉक्सिन इन एप्रोप्रिएट. डिजॉक्सिन किस पेशेंट को दी जाती है? डिजॉक्सिन का आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रैडीकार्डिया कर रही है, हार्ट रेट को घटा रही है. पहली बात तो ये समझ रहे हैं. अब ECG मैंने आप लोगों को बता दी थी. ECG आपको अब समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. सबसे पहली ही बात कर डाले. देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर भाई साहब इस प्रकार से आपके पास में इस प्रकार से क्या दिख रहा है आपको? इस प्रकार से आपको क्या दिख रहा है? ये आपको जो दिख रही है वो है QRS कॉम्प्लेक्स. इसका मतलब मैंने आपको बताया था इस प्रकार से जो कंडीशन बनेगी ये क्या होगी, तो आपको पता होनी चाहिए ये कंडीशन क्या होती है. ये होती है एट्रियल फिब्रिलेशन.
क्या होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन होती है, और इस वेव को जो हल्का सा होता है उसे एफ बोलते हैं, एफ वेव बोलते हैं, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पे क्लाइंट बी की बात करें तो इस कंडीशन में ये तो देखो अच्छी तरीके से आपके सामने क्लियर कट बन रही है, समझ रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल साइनस रिदम होगी। क्या होगी दोस्तों, ये नॉर्मल साइनस रिदम होगी। नेक्स्ट नंबर पे ये कंडीशन वेंट्रिकल टैकीकार्डिया हो गया, और इस कंडीशन में क्या आ रहा है, इस कंडीशन में पेशेंट के अंदर साइनस ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। क्या हो रहा है, साइनस ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। अब खुद बा खुद समझ लो कि पेशेंट को साइनस ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो क्या आप लोग उसको डिजॉक्सिन दोगे, नहीं दोगे, और गड़बड़ कर देगा। वेंट्रिकल टैकीकार्डिया हो रहा है, एंटी डिसर्जेमिक ड्रग चलेगी, लिडोकेन, प्रोकेनामाइड और एमियोडेरोन, तो यहां पर भी आप लोग सी में नहीं दोगे। नॉर्मल साइनस रिदम है, कोई गड़बड़ नहीं, दवाई देने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन में डिजॉक्सिन देनी है, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, इसका कॉम्प्लिकेशन भी पता होना चाहिए। ये सीवीए को लीड करेगा, एम्बोली का फॉर्मेशन करेगा, एंटी एम्बोली भी इसमें देनी है। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चनों को करना है, आगे बढ़ना है। ए क्लाइंट इज रिटर्न टू द सर्जिकल यूनिट इमीडिएटली आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी स्टंट, कोरोनरी आर्टरी स्टंट दैट वाज अकम्प्लिश्ड बाय द एसेस थ्रू द फीमोरल आर्टरी। दोबारा से समझते हैं क्वेश्चन को, क्लाइंट इज रिटर्न टू द सर्जिकल यूनिट, सर्जिकल यूनिट से आ रहा है, कहानी है क्या हुआ है, कोरोनरी आर्टरी स्टंट लगा हुआ है पेशेंट के अंदर। That was accomplished by the through the femoral artery, कहां से लगाया गया है, femoral artery के through लगाया गया है, समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल सही है कुमारी कोजल, आपका concept बिल्कुल clear है। Next number पर बात करें कि should the nurse consider the priority when assessing this client, acute pain, impaired mobility, impaired swallowing और hematoma formation, total बात है, कहानी है, scenario है, क्या है, total scenario है कि patient को जो use करी है वो क्या है, सिर्फ femoral use करी है। अब आपको मैंने ढंग से बता रखा है, देखो भैया फीमोरल के अगर जब भी आप यूज करेंगे तो ड्यूरिंग प्रोसीजर स्ट्रिक्ट सुपाइन पोजीशन रखनी है, और मैक्सिमम हेड ऑफ द बेड 30 डिग्री तक एलिवेट रखना है, अदरवाइज क्या होगा, कैथेटर डिस्क्लोज होने के चांसेस रहेंगे। और नेक्स्ट नंबर पे अगर बाद में आफ्टर प्रोसीजर बात करें तो आपको यहां पर सैंड बैग सप्लाई करना है और पेरिफेरल पल्स को असेस करना है। और यहां पर क्या होता है, फीमोरल आर्टरी के अंदर क्या होता है कि हिमाटोमा फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा डी, ए बी सी तीनों नहीं रहेंगे, अकेट पेन होने की संभावना नहीं, क्योंकि आपने फीमोरल आर्टरी यूज कर लिया उसके बाद में पेन की कोई संभावना नहीं रहती है। इम्पेयर्ड मोबिलिटी 24 आवर का थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होता है, वो भी 12 घंटे का मान लेते हैं, इसके बाद में नहीं होता है। इम्पेयर्ड फॉलोइंग निकलने में दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का एनेस्थीसिया यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट नंबर पर जनरल एनेस्थीसिया यूज नहीं किया है। नेक्स्ट नंबर पर पेशेंट आपका करेक्ट आंसर मैंने यहां पर लिख दिया होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे नर्स इज द पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट, कहां पर है, पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में, केयर फॉर ए क्लाइंट हु रिसीव्ड अ जनरल एनेस्थीसिया, क्या दिया गया, जनरल एनेस्थीसिया दिया गया। विच फाइंडिंग शुड द रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फटाफट से आंसर को पुट करें, फटाफट से आंसर को पुट करें, फटाफट सर्जन को तुरंत बताने की बात है। देखिए यहां पर कल क्लाइंट पुशेस द एयर वे आउट, बिल्कुल सही है, नॉर्मल चल रहा है। क्लाइंट है स्नोरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है थोड़ी सी दिक्कत है स्नोरिंग में, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि एससीपी को एंड टू एंड बताया जाए। रेस्पिरेशन ऑफ 16 ब्रीथ पर मिनट आर शैलो, शैलो होगा, जीए यूज किया गया है लेकिन 16 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कई स्टूडेंट क्या करते हैं इसको 130/90 समझ लेते हैं, भाई ये 130/90 नहीं है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 था, कहाँ पहुंच गया है, 90 पे पहुंच गया है, खतरनाक काम होने वाला है, मामला गड़बड़ होने वाला है, शॉक में जाने वाला है पेशेंट। तो यहां पर जो आंसर होगा क्या होगा, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर सर्जरी फॉर अ रप्चर्ड स्प्लीन, मैंने आपको बताया रप्चर्ड स्प्लीन कंडीशन है, तो सबसे पहले दिमाग में स्प्लेनेक्टोमी कंडीशन समझ लीजिए, या फिर आपको बेड रेस्ट समझ लीजिएगा। यहां पर क्या हो रहा है, क्लाइंट कंप्लेंस ऑफ फीलिंग लाइट हेडेड, सर में हल्का हल्का दर्द होने की संभावना हो रही है। द क्लाइंट कलर, अरे कलर भी बता रहा है, ये तो पीले रंग का हो रहा है भैया, कलर क्या हो रहा है, पीले रंग का, पीले रंग का तो बहुत गड़बड़ होने वाली है, समझ रहे हैं बात को, पीले रंग का तो गड़बड़ होने वाली है। पल्स रैपिड हो गई है, अरे ये देखो कंडीशन क्या, कहां पे जा रही है, एचआर बढ़ गई है, एचआर बढ़ गई है, पेल और कूल बॉडी हो रही है, पेल और कूल बॉडी हो रही है, और क्या बोल रहा है अब इस कंडीशन में, द नर्स कंक्लूड द कंडीशन, अरे इसमें क्या समझ रहे हैं भाई, कहां पर जाने वाला है, शॉक में जाने वाला है, समझ लीजिए, क्योंकि शॉक में जाते जाते
आपके पास में ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कंप्लीटली हाइपोवोलेमिक शॉक कंडीशन में जाएगा। तो आंसर जो आपका क्या होगा, किस में जा रहा है, शॉक में जा रहा है, संभाल सको तो संभाल लो। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर द डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल्स। माइड्राइटिक ड्रग्स के बारे में पूछ रहा है, माइड्राइटिक ड्रग के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, माइड्राइटिक ड्रग के बारे में पूछ रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो ये पिपिल को डायलेट करने के लिए पूछ रहा है, एट्रोपिन मैंने हटा दिया, एट्रोपिन होता तो सबके सब एक साथ आंसर देते हैं एट्रोपिन। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आप अपन को कुछ नहीं पता, चलो निकालने की कोशिश करो, घबराने की जरूरत नहीं है। लिवोफ्लॉक्सासिन पढ़ा रखा है, ऑफ्लॉक्सासिन, समझ रहे हैं बात को, ऑफ्लॉक्सासिन पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो ये कौन सी कंडीशन के अंदर होती है, ये होती है आपके पास में यूरिनरी ट्रैक एंटीबायोटिक कंडीशन, इसे बोलते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स। क्या बोलते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स। बीटामिथासोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जेंटामाइसिन एंटीबैक्टीरियल कंडीशन है, समझ रहे हैं। तो आपको ट्रॉपिकनामाइड वाला, ट्रॉपिकनामाइड क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक होता है, जब पेशेंट के फंडोस्कोपी की जाती है या फिर आई का किसी भी प्रकार का एग्जाम किया जाता है, तो यहाँ पर ट्रॉपिकनामाइड दिया जाता है, समझ रहे हैं बात को, डायलेट करने के लिए। अगर बात करें कंस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो पिलोकार्पिन याद करना, क्या याद रखना, पिलोकार्पिन याद रखना। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूल डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑस्टोमी, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, इफिलेंट कंडीशन होगी। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन द गर्ल्स। कंसेप्ट को समझना है कि गर्ल्स के अंदर फर्स्ट साइन कौन सा होता है। यहां पर आप समझिएगा, सबसे पहली बात होती है एसिलरेटेड ग्रोथ, क्या होती है, एसिलरेटेड ग्रोथ और ग्रोथ स्प्रू, क्या होती है, ग्रोथ स्प्रू, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पे थिलार्की, नेक्स्ट नंबर पे थिलार्की, नेक्स्ट नंबर पे प्यूबार्की, नेक्स्ट नंबर पे प्यूबार्की, नेक्स्ट नंबर पे इंक्रीजेज द हाइट, नेक्स्ट नंबर पे इंक्रीजेज द हाइट, और नेक्स्ट नंबर पे मीनार्की, नेक्स्ट नंबर पे मीनार्की। तो कंसेप्ट समझ गए आप लोग, क्वेश्चन कहीं से ही बनेगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, एक दो तीन और एक चार और एक पाँच, समझ रहे हैं। लेकिन ये आपको विजिबली नहीं होती है, ये आपको फर्स्ट विजिबल साइन है, ये क्या है आपके पास में, फर्स्ट विजिबल साइन है, फर्स्ट विजिबल साइन है। तो याद रखिएगा, ब्रेस्ट बडिंग या फिर ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट कंडीशन क्या कहलाता है, थेलार्की कहलाता है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी इन द गर्ल्स कंडीशन थेलार्की होगा। एक्सेलरेटेड ग्रोथ होगा तो वो वहां पर जाना चाहिए, सीक्वेंस याद होनी चाहिए, क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर अभी के लिए मैं मान लूं वो क्या होगा, ब्रेस्ट बडिंग, करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रेस्ट बडिंग, ए इज द करेक्ट आंसर, थेलार्की कंडीशन। पीक हाइट वेलोसिटी थर्ड नंबर पे, सबसे पहले पे एक रख लो, इसको रख लो दो पे, इसको रख लो तीन पे, और इसको रख लो चार पे, और जीरो पे रख लो इसको। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO इनिशिएट द राइट टू साइट, राइट टू साइट WHO ने इनिशिएट किया है, अच्छी तरीके से पता है आपको, ये ब्लाइंडनेस के लिए चलाया जाता है, ब्लाइंडनेस के लिए WHO और एक संस्था है उसके द्वारा सम्मिलित रूप का प्रोग्राम है, और ये क्या है, विजन 2020 के अंदर कंसीडर है। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना इज सीन इन, वजाइना के अंदर व्हाइटिश कलर का डिस्चार्ज, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो व्हाइटिश डिस्कलरेशन फ्रॉम द वजाइना कंडीशन होती है, तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है, इसको बोलते हैं अपन कैंडाइडा, कैंडाइडा एल्बिकेंस, ये फंगल इन्फेक्शन होता है, इसी को अपन बोलते हैं ओरल थ्रश, क्या बोलते हैं, ओरल थ्रश। जब इसके जो आपके साइन सिम्टम्स माउथ के अंदर देखने को मिलेंगे, तो व्हाइट कलर की लेयर प्रेजेंट होगी, समझ रहे हैं, थ्रॉट के अंदर, टंग के ऊपर और पैलेट्स के ऊपर, समझ रहे हैं बात को। जब ये वेजाइनल कंडीशन में आएगा, तो इसमें क्या होगा, व्हाइटिश डिस्चार्ज होगा, इनिशियली क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने से पहले व्हाइटिश कलर का डिस्चार्ज होगा। तो इन कंडीशंस में अपन को क्या देखने को मिलेगा, व्हाइटिश कलर का डिस्चार्ज कैंडाइडिस कंडीशन में देखने को मिलेगा। अगर बात करें ट्राइकोमोनाइसिस, तो ये स्पायरोक्रेट्स होता है, क्या होता है, स्पायरोक्रेट, समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये स्पायरोक्रेट कंडीशन है, इसके अंदर किस प्रकार का, इसके अंदर ऑफेंसिव फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज होगा बहुत, और उसके अंदर अपन को ग्रीन ग्रीन कलर का फाउल स्मेल होगा, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं। सिफिलिस ट्रेपोनिमा पैलिडम के कारण से होता है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के थ्रू भी होता है, कन्फर्मेटरी साइट IFA होता है, इन्फ्लामेटरी फ्लोरोसेंट एसिड टेस्ट, और यहीं पर अदर साइंस की भी आपको पता होने चाहिए, कान टेस्ट भी सिफिलिस के लिए किया जाता है, कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं।
चौहान कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसके अंदर आप लोगों का अगर सिलेक्शन हो गया तो फाइनली वहां पर 500 रुपए का स्टाम्प मांगेंगे, उसमें इनबिल्ट कर देना, नॉट टू बी वरी। समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट नंबर पे गोनेरिया, निजेरिया गोनेरी कंडीशन के कारण होता है। सिफिलिस हमेशा एग्जाम में लेके आता है, चाहे तो वो ये पूछे कि इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, सिफिलिस पूछेगा इसका पॉजिटिव कॉज कौन सा है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट विद द पार्शियल ऑक्लूजन ऑफ द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ब्रेन से संबंधित होगी कुछ ना कुछ। समझ रहे हैं बात को? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट नंबर पे टू बी डिस्चार्ज व्हेन वॉरफेरिन चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? पेशेंट वॉरफेरिन से डिस्चार्ज हो रहा है। कांट टेस्ट, बिल्कुल सोनम साहब बिल्कुल सही आंसर है। विच क्लिनिकल एडवर्स इफेक्ट शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज द रीजन फॉर द क्लाइंट सीक मेडिकल कंसल्टेशन। मेडिकल कंसल्टेशन के लिए कौन सा प्रियोर होगा? दोबारा से, अगर पेशेंट इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी में ऑक्लूजन था, उसको डिस्चार्ज किया गया, वॉरफेरिन चल रहा था, एडवर्स इफेक्ट कौन सा देखने को मिलेगा? तो याद रखें कि वॉरफेरिन क्या करता है, एंटीकोगुलेंट है। अगर ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है किसी भी प्रकार से, तुरंत नोटिफाई फिजिशियन करके फ्री हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नर्स प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग फेनिटोइन। अरे दो चीजें याद रख लेना, 10 से 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर पे फेनिटोइन चलता है। सॉफ्ट टूथब्रश याद करना है, और हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी ऑफ द गम्स याद रखना है, जिंजिवाइटिस कंडीशन याद रखनी है। तो जब भी फेनिटोइन आए, आंसर आपको तुरंत देखना है हाइपरप्लेजिया ऑफ द गम्स। बाकियों में कंफ्यूज हो गए, सब में जिंजिवाइटिस ही कंडीशन है। आपको तो कंसेप्ट को याद रखना है, आगे बढ़ना है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? आंसर ए। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साइड इफेक्ट ऑफ कॉलिनर्जिक मेडिकेशन। कॉलिनर्जिक एडमिनिस्ट्रेशन के कारण से क्या होगा? तो याद रखिए, कॉलिनर्जिक जो ड्रग होती है वो बेसिकली क्या होती है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करती है। किसको करती है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करती है। याद रखिएगा, याद करने का तरीका है, अच्छी तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पर नौजिया, डायरिया, इंक्रीज सेलिवेशन सब कुछ देखने को मिलेंगे। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिटी फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन में कॉस्ट क्लाइंट टू सी ए ग्रीन हेलोज अराउंड लाइट। याद रखिएगा, जीएमसीएस 2019 से इस क्वेश्चन का ट्रेंड आ चुका है, कई बार एग्जामों में आ रहा है। याद रखिएगा, ये होता है डिजॉक्सिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? डिजॉक्सिन। याद रखिएगा, डिजॉक्सिन के कारण से क्या होता है? ग्रीन हलोज देखने को मिलते हैं। हलोज का मतलब क्या होता है? डिफ्रेक्शन ऑफ द लाइट। मतलब जो लाइट गिरती है वो एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं रहती है, डिफ्रेक्शन हो जाता है इसके अंदर, और पेशेंट को तरिया कंडीशन होती है। कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन में हलोज देखने को मिलता है, जैसे लेसिक्स की इंजरी हो तो भी देखने को मिलेगा, कटरेक्ट हो, ग्लूकोमा हो, तब भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ड्रग के बारे में पूछ रहा है, तो ड्रग का नाम याद रखना है आपको डिजॉक्सिन, और डिजॉक्सिन के कारण से ग्रीन हलोज देखने को मिलेगा। ये भी कई बार आपके बारे में पूछा जा रहा है, मेट प्रो लॉल, इसका जो साइड इफेक्ट होता है ये क्या करता है? डायरेक्टली इफेक्ट, मतलब पॉइजनिंग कंडीशन मेट्रोप्रोलॉल ले लें तो इस कंडीशन में क्या होगा? कार्डियक इरेटेबिलिटी बिल्कुल खत्म, कार्डियक शांत हो जाएगा। ये क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा, हार्ट ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा? हार्ट ब्लॉक कर देगा, हार्ट रेट को डाउन कर देगा, बीपी को डाउन कर देगा, एट्रियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी को डाउन, एट्रियल फिब्रिलेशन कर देगा। तो थोड़े से मेट्रोप्रोलॉल के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से याद रखने। फिरोसेमाइड आपको पता है कि ये क्या करेगा? आप ये लूप डायरेटिक्स है, ब्लड वॉल्यूम को घटाएगा, हाइपोटेंशन करने की कोशिश करेगा, एनाल्प्रिस संबंधित नहीं है। तो डिजॉक्सिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स कंडक्टिंग ए डाइटरी असेसमेंट ऑन पेशेंट विद वेगन डाइट। अरे सिंपल सा वर्ड याद रखो, वेगन का मतलब होता है, वेगन का मतलब होता है शाकाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं? एक तो होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी। कंप्लीट जो शाकाहारी व्यक्ति है, याद रखिएगा एक लाइन को, कंप्लीट शाकाहारी व्यक्ति के अंदर किसकी कमी देखने को मिलेगी? तो आप बोल देंगे विटामिन B12 की कमी देखने को मिलेगी, पर वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट शाकाहारी होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? सर्वाहारी नहीं होना चाहिए। और एक लाइन और याद रखना, वारफेरिन सोडियम जो किसी पेशेंट को दे रहे होते हैं तो उसमें हरी पत्तेदार सब्जी नहीं देनी है। तो मतलब विटामिन के इसका क्या है? एंटीडोट है, नहीं देना है, इफेक्ट कम हो जाएगा। दो लाइनों को याद रखिएगा। कौन कौन सी दो लाइन? आपको बता दिया है, याद रखने। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, विटामिन B12 परनीसियस एनीमिया। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स एडमिनिस्टर द ड्रग डेस्मोप्रेसिन एसिटेट DDVAP दे रहे। समझ रहे हैं आपको? वाटर इंटॉक्सिकेशन करेगा, पॉलीयूरिया को ट्रीट करेगा। समझ रहे हैं? तो इनटेक और आउटपुट को आपको असेस करना है,
अभी जो नॉर्थसेट का एग्जाम था उसके अंदर भी आपके पास में क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बी। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट रिसीविंग मॉर्फिन बाय द पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसी, पेशेंट को मॉर्फिन चल रहा है और एनाल्जेसी के रूप में दे रहे हैं, रेस्पिरेटरी रेट 6 गई। अरे कितनी गई, 6 गई। 6 गई मतलब क्या है, टॉक्सिटी इफेक्ट दे रहा है। तुरंत क्या करो, रोको, रोक करके नैलोक्सेन एडमिट करो। क्या करो, नैलोक्सेन एडमिट करो। कहां पर है ऑप्शन, विदहोल्ड हो रहा होगा तो पहले रोक दो, और अगर विदहोल्ड नहीं है तो नैलोक्सेन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। फटाफट से आंसर का सी करके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में क्वेश्चन अवेलेबल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल अलर्ट द नर्स फॉर पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट इन द पेशेंट। अरे ये याद रखना है आपको, इमेज इमेज दे रही है कोनाजोल, ये एंटी फंगल ड्रग है। आपने जब पढ़ा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी फंगल क्लोनाजोल, लिग्नाकोनाजोल, हाइड्रोकोनाजोल सबके सब क्या करते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी कॉज करते हैं। क्या करते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी कॉज करते हैं। क्या करेंगे, सेंट्रल ओबेसिटी कॉज करेंगे, सेंट्रल ओबेसिटी कॉज करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इज विद AIDS is taking acyclovir। अरे ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अगर आप बात कर डाले जिडोविडिन की, किसकी बात कर डाले, जिडोविडिन की, तो याद रख लेना एट कॉजेज एग्रेनुलोसाइटोसिस। क्या होगा, एग्रेनुलोसाइटोसिस मतलब इस पेशेंट को क्या करवानी पड़ेगी, आपको CBC करवानी पड़ेगी, WBC ये घटाएगा, इन्फेक्शन करेगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद में अगर अपन बात करें, उसके बाद में अगर अपन बात करें कि ए साइक्लोवीर की, ए साइक्लोवीर क्या करता है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है। क्या होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है। पेशेंट को बोलो दवा करके पानी पीना, दोस्तों क्या पीना, पानी ज्यादा पीना है, खाने से मतलब नहीं है, पानी ज्यादा पीना है। ए साइक्लोवीर, ए साइक्लोवीर क्या करेगी, पानी ज्यादा पिएगी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करेगा, किडनी डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दो ही चीजें बता रहा हूं मैं आपको, जिडोविडिन और ए साइक्लोवीर। जिडोविडिन कॉजेज ए ग्रैनुलोसाइटोसिस एंड हेडेक ऑल्सो, और अगर बात करें एसाइक्लोविर तो आप नेफ्रोटॉक्सिटी होगी, पानी ज्यादा पिलाएंगे, वरना क्या होगी, किडनी डैमेज होगी। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अरोरा इज टेकिंग बीटा ब्लॉकर। अरे यह बहुत बढ़िया चीज दे दी, बीटा ब्लॉकर की कहानी बहुत मस्त है, आजकल क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है। बीटा ब्लॉकर एक तो याद रख लेना, बीटा सेल को ही इनिबिट कर देगी, लेना नहीं देना नहीं, क्या कर दिया, बीटा सेल को ही इनिबिट कर दिया। बीटा सेल कहां पर पड़ी, लैंगरहंस में, पैनक्रियास के लैंगरहंस में, अल्फा बीटा डेल्टा पड़ी थी, बीटा सेल्स को इनिबिट कर दिया, मतलब इंसुलिन कम निकालेगा। इंसुलिन कम निकालेगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा तो ग्लूकोज क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ये क्या करेगा, ग्लूकोज के इफेक्ट को करेगा। सेकंड नंबर पे बात करूं ब्लड प्रेशर की, तो आपको अच्छी तरीके से बताया बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, वर्कलोड को कम करेगा, तो ब्लड प्रेशर पे भी कंट्रोल करेगा। बेसलाइन ECG को चेक करना ही है, PFT से संबंधित नहीं है मेरे दोस्तों, PFT से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए। आपका करेक्ट आंसर आएगा ए। जो गलत कर रहे हैं अपने आप ईमानदारी से कंसेप्ट को समझ करके और करिएगा, याद रखिएगा आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करनी है। आपको 11:30-12 बजे तक रेगुलर क्वेश्चन चलेंगे, तो आपको अपनी जो नेगेटिव मार्किंग है उसको कंट्रोल करना है, डेफिनेटली कंट्रोल करना है। तो बीटा ब्लॉकर के कारण नहीं है, बी होगा, सी होगा, डी होगा, लेकिन कौन सा नहीं होगा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द क्लाइंट हु आर टेकिंग NSAID एंड एंटीकोगुलेंट। अरे मेरे दोस्तों अच्छी तरीके समझ लो, NSAID तो घर की बात नहीं है, लेकिन एंटीकोगुलेंट चल रही है। क्या चल रही है, एंटीकोगुलेंट चल रही है। इसमें तो आपको जबरदस्त तरीके से याद रखना है कि पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो तो अलर्ट हो जाओ, पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो तो अलर्ट हो जाओ। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उसको याद रखना, NSAID के अंदर आइब्रोफेन, आइब्रोफेन किसी पेशेंट को अपन क्रॉनिकली देते हैं तो क्या करता है, तो क्या करता है, मिलेना करता है, जीआई लोअर जीआई ट्रैक में ब्लीडिंग करता है, याद रखिएगा। आप सबको पता है, आप सबको पता है, पैरासिटामोल एसिटामिनोफेन देंगे तो लीवर फंक्शन टेस्ट देना है, क्रॉनिकली कंडीशन हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है। तो आज के बाद में एक चीज को ध्यान रख लेना, एब्रोफेन क्रॉनिकली चल रही है तो मिलेना करेगा, लोअर जीआई ट्रैक में ब्लीडिंग करेगा। अब दोनों ब्लीडिंग कर दी, आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा, कहते हैं रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू द प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, इनहिबिशन ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ जीआई ब्लीडिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जीआई ब्लीडिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा, जीआई ब्लीडिंग। याद रखिए कंसेप्ट को याद रखना, क्वेश्चन कहीं से बनेगा, क्वेश्चन आपसे चूक नहीं जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल प्रोटोकॉल, हॉस्पिटल्स के प्रोटोकॉल से शॉर्ट वीडियो बना दिया है, इसके ऊपर कम से कम 10 प्रोटोकॉल्स अपडेट कर दिए हैं, आप लोगों को जल्दी आपका अपलोड हो जाएगा।
आपको अभी के लिए बात करनी है कि कोड पिंक, अरे भाई कोड पिंक के बारे में पूछ रहा है, फटाफट से आंसर को पुट करें, फटाफट से आंसर को पुट करें, मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करना है, फटाफट से आंसर को पुट करें। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, फायर इन हॉस्पिटल रेड, आग लग गई, आग लग गई रेड, समझ रहे हैं बात को। बॉम्ब, अरे बी फॉर बॉम्ब, बम्ब की धमकी दे दी, बॉम्ब की धमकी दे दी, ब्लैक कर दो, समझ रहे हैं बात को। डिजास्टर सिचुएशंस, इन्फेंट ऑन द चाइल्ड अडॉप्शन, ये हो गया पिंक, बच्चे का अपहरण कर लिया, पिंक कंडीशन पे जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चंस को किसी न किसी कारण से रखा गया है। एक पेशेंट इज लेबर वार्ड, लेबर वार्ड में विच गिवन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, कौन सा ओपियोइड एनाल्जेसिक देंगे विच ड्यूरिंग द शॉल रेडी फॉर द इमरजेंसी। जब किसी पेशेंट को ओपियोइड एनाल्जेसिक दे रहे हैं तो कौन सी दवाई पास में रखनी है, बेकार का क्वेश्चन नहीं है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए रखा है नैलॉक्सिन। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड इफेक्ट ऑफ रिफामपिसिन, कौन सा नहीं है, ऐसा कौन सा है जो कि सब होंगे लेकिन ये नहीं होगा। गौर से समझ लीजिएगा, रिफामपिसिन बहुत जानदार चीज है, रिफामपिसिन और ये हो गया आइसोनियाजिड, दोनों एग्जाम में पूछता है, मैं क्या करूं पूछेगा ही। सबसे पहले तो आइसोनियाजिड को ट्रिपल बी क्रॉस कर जाएगा और उसके बाद में पॉलीन्यूरोपैथी कंडीशन करेगा, पॉलीन्यूरोपैथी कंडीशन करेगा, समझ रहे हैं बात को, पॉलीन्यूरोपैथी कंडीशन करेगा और यहीं पर वो करेगा शोल्डर हेड सिंड्रोम। क्या करेगा दोस्तों? शोल्डर हेड सिंड्रोम करेगा, समझ रहे हैं बात को। और नेक्स्ट नंबर पे बात करें रिफामपिसिन, ये रेडमैन सिंड्रोम करेगा, क्या करेगा? रेडमैन सिंड्रोम करेगा। कल क्लास में कहा था, लड़के बोल रहे थे वैनकोमाइसिन, अरे दोस्तों थोड़ा अपडेट कर लो खुद को, मैं तो हो चुका हूं पहले भी, समझ रहे हैं। रेडमैन सिंड्रोम ऑल्सो कॉज्ड बाय द रिफामपिसिन कंडीशन। सेकेंड नंबर पे जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर फ्लक्चुएशंस लाएगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट नंबर पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ करेगा, समझ रहे हैं बात को, और रेस्पिरेटरी फट्स को भी डिफेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा डिजीनेस बिल्कुल होगा, ऑरेंज कलर यूरिन, यूरिन क्या सीमेन हो जाएगा और स्वेट हो जाएगा, कॉन्टेक्ट लेंस हो जाएगा, सब कुछ ऑरेंज कलर का हार्मलेस करेगा। नेक्स्ट नंबर पे एनोरेक्सिया बिल्कुल करेगा, तीनों तो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा नहीं करेगा? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, हाइपरटेंशन नहीं करेगा, एक्सेप्ट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, शकीर टेप इज यूज्ड टू मेजर, शकीर टेप बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके रिजल्ट इंटरप्रिटेशन चाहिए मेरे को, इसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन चाहिए, फटाफट से रिजल्ट इंटरप्रिटेशन बताइए। इसका आंसर मत दे देना, इसका आंसर लो मैंने दे दिया, UAC मिड अपर आर्म सिरकमफ्रेंस, मैंने आंसर दे दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, इसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन चाहिए, फटाफट से आंसर को पुट करें, फटाफट से आंसर को पुट करें। पॉइंट पांच से 13.5 नॉर्मल, इसका मतलब येलो, 13.5 से अबव और 12.5 से बिलो कंडीशन, समझ रहे हैं बात को, रेड येलो ग्रीन, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आंसर है। नेक्स्ट नंबर पे आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर को अपडेट कर दें। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में क्वेश्चन है, वीच फॉर्मूला किससे संबंधित है, वीच फॉर्मूला किससे संबंधित है, फटाफट से आंसर को पुट करें, वीच फॉर्मूला किससे संबंधित है, फटाफट से आंसर को पुट करें, क्वेश्चन यहीं से घूमने हैं, फटाफट से आंसर को पुट करें, क्वेश्चन यहीं से पूछने हैं।
फटाफट आंसर को पुट करें ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर सके। विच फॉर्मूला एक्सपेक्टेड हाइट मेजरमेंट से संबंधित है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एज इन ईयर, 2 से 12 साल तक के बच्चों के लिए यूज किया जाता है एज इन ईयर। उसके बाद में अगर अपन बात करें गुणा 6 + 77, ये क्या होता है, इस विच फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड हाइट ग्रोथ एडवांसेशन के लिए करते हैं। समझ रहे हैं बात को, विच फॉर्मूला याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार एम्स ने रखा गया है इसलिए मैंने यहां पर बोल दिया है, माइंड में आ गया था। नेक्स्ट नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रोसीजर गिवन इन द पिक्चर, कौन सी दवाई को यूज नहीं करेंगे। तो इसको छोड़ो, सबसे पहले तो पिक्चर बताओ, ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर जो है आपके पास में ये क्या है, क्या पिक्चर है ये, फटाफट से आंसर को दें। भाई साहब रीजनल ब्लॉक कर रहे हैं, इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, रीजनल ब्लॉक कर रहे हैं, बेस ऑफ द डिजिट आप इंजेक्शन दे रहे हैं, रीजनल ब्लॉक कर रहे हैं, लोकल एनेस्थेटिक एडमिट कर रहे हैं, रीजनल ब्लॉक कर रहे हैं, रीजनल क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। तो यहां पर अपन ब्लॉक करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक यूज करेंगे, लिडोकेन करेंगे, टेट्राकेन करेंगे, बेंजोकेन करेंगे। अरे कोकीन का क्या काम है यहाँ पर, कोकीन सुट्टाबाजी का काम नहीं है, समझ रहे हैं बात को, लोकल एनेस्थेटिक रीजनल एरिया में एडमिट करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, रीजनल नर्व ब्लॉक कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, तो लोकल एनेस्थेटिक देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, क्यों होगा, क्योंकि नॉट पूछ रहा है। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस रीना वर्किंग एज ए होम हेल्थ केयर नर्स एंड असाइन टू बी प्रोवाइडिंग केयर टू टर्मिनली इल। अरे भैया टर्मिनली इल आ गया, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, याद रखना टर्मिनली इल आ चुका है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब वाइल परफॉर्मिंग जनरल असेसमेंट द क्लाइंट सेड दैट रीना क्या कह रही है, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ डाइंग, मुझे मौत से डर नहीं लगता है, थिंक आई हैव मेड माई पीस विद एवरी वन, I am actually ready to move on. अरे गजब की बात कह दी भैया, गजब की बात कह दी, इसी लाइन को हमने पकड़ लिया। ये कह रही है कि I am actually ready to move on. अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, मतलब उसने डाब डाब में A पर आ चुकी है, A मतलब एंगर मत कर देना, एक्सेप्टेंस पे आ चुकी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर A इज करेक्ट आंसर, समझ रहे हैं, लास्ट स्टेज के ऊपर आ चुकी है। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमोशनल रेस्पॉन्स टू डेथ इज कॉल्ड, फटाफट से आंसर दीजिए इसका, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए, आंसरों में कमी नहीं आनी चाहिए, अपने आपको इवैल्यूएशन करना है। क्लास चल नहीं रही है बेटा, कुछ ना कुछ इशू हो गया होगा, फटाफट से देखिएगा। नेक्स्ट नंबर पे, सबकी चल रही बेटा, अपडेट करो खुद को फटाफट से। नेक्स्ट नंबर पे आपका इसमें इमोशनल रेस्पॉन्स टू है डेथ, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। अब आप लोग के आंसर को समझ लीजिएगा, सबसे पहली बात डेथ, डेथ का जो रेस्पॉन्स होता है ग्रीविंग प्रोसेस होता है, कई बार क्वेश्चन मैंने अपडेट किया है, सबसे पहले होता है ग्रीविंग, ग्रीविंग का मतलब होता है दुख, मेरा दोस्तों क्या होता है दुख, तो यहां पर हो गया दुख। अब अगर बात करें कि बेरिवमेंट, बेरिवमेंट का मतलब क्या होता है, वियोग, बेरिवमेंट का शुद्ध अर्थ क्या होता है, वियोग। अरे सबसे पहला इवेंट क्या होगा, सबसे पहला इवेंट क्या होगा, मृत्यु के बाद में दुख होगा, दुख के बाद में क्या होगा, वियोग होगा। मतलब क्या हुआ कि उसका जो परिचित अकेला रह जाएगा, वियोग कंडीशन में जाएगा, वो पर्सन जो मर गया उसके बाद में किस किस कैटेगरी के अंदर दुख प्रकट होंगे, तो सबसे पहले तो ग्रीव किया जाएगा। एक बार कोई मृत्यु हुई है पेशेंट किसी व्यक्ति की, तो वहां पर इस सीक्वेंस को बैठाने की कोशिश करो, सबसे पहली कंडीशन पर मृत्यु होने पर दुख होता है, दुख होने के बाद में ब्रिफमेंट होता है, वियोग होता है, समझ रहे हैं, वो चला जाएगा अकेला रह जाएगा, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पे मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब, मॉर्निंग मतलब होता है एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो एक फ्यूनरल टाइप की कंडीशन, समझ रहे हैं, फ्यूनरल टाइप का कंडीशन होता है, इसे बोलते हैं शोक, क्या बोलते हैं शोक। तो आपका तो आंसर यहीं पर क्लियर हो गया, ज्यादा डीप में जाने की कोशिश ना करें, पर ये स्टेजेज भी एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको ये स्टेजेस क्रम बता दिया है, याद रखिएगा, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज केयरिंग फॉर टर्मिनली इल पेशेंट आ चुका है, क्रॉनिकली लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, पेशेंट सेज आई कांट स्लीप, आई कैन थिंकिंग अबाउट माय फैमिली, मैं सो नहीं सकता हूं, मुझे मेरी फैमिली की टेंशन है क्योंकि मैं मरने वाला हूं, पेशेंट मरने वाला है, इस प्रकार की बातें कर रहा है, समझ रहे हैं। Which response do be the nurse would be most appropriate in this situation? मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर का अंदर ऑनलाइन पेपर और जो खत्म होने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन आपसे पूछ ले, मात्र 5 सेकंड बच रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इतना लंबा है, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, फाइनली देखो
क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मोर एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन पूछ रहा है। जिस ऑप्शन में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपका काम क्या है, मैंने बता दिया, क्वेश्चन पूछना है, दमित भावनाओं को बाहर निकालना आप लोगों का काम है, तो इस ट्रिक को अप्लाई करना। पर जब अप्लाई करना, जब बिल्कुल आपका जो क्वेश्चंस बड़े लैंग्वेज के हो, टाइम कम है और कंप्यूटर शटडाउन होने वाला है, कंप्लीट होने वाला, तो फटाफट से आंसर को वही का भी रखिएगा। तो यहाँ पर आपका काम है क्वेश्चन पुट करना, दमित भावनाओं को बाहर निकालना। तो यहाँ पर आप लोग उसे पूछेंगे एग्जैक्टली तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तू बता मेरे संग में शेयर कर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बी। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स हु केयर फॉर द टर्मिनली इल पेशेंट। टर्मिनली इल ज्यादा आ गया, समझ रहे हैं बात, तो क्यूबला रॉस आ गया, डावड़ा की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? डावड़ा की बात कर रहा है। क्वेश्चन टाइम लगाने वाला है, इस क्वेश्चन को आप लोग का कंसेप्ट पूरा तो 2 सेकंड में करके देखो, तब जाकर के इस कंसेप्ट को समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन क्यों रखा गया है। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए जरूरी है। डावड़ा है, कर दो फटाफट से। डी फॉर डेनाइल, डी फॉर डेनाइल, ए फॉर एंगर, और उसके बाद में बी फॉर बार्गनिंग, मतलब 1, 2 और उसके बाद में 3 और उसके बाद में 4 और 1, 5। तो आपका जो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा? 5, 3, 4, 2, 1, 5, 3, 4, 2, 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहां पर? सी बी का कन्फ्यूजन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डोज फ्रॉम शोर इन द गिवन ब्लू। फटाफट से शो जो आपको दिखाई गई है वो फटाफट से बताएं कि कौन सी शोज है, कौन सी पिक्चर है, फटाफट से क्लियर करें, फटाफट से क्लियर करें, ताकि मोस्ट टू मोस्ट क्वेश्चनों को अपन कवर कर पाए। 15 मिनट का गैप मिलेगा, नेक्स्ट क्लास शुरू होगी श्रीमान राजू सर की, तो फटाफट से अपडेट हो जाइएगा उस क्लास के लिए। फटाफट से आंसर को आपको देना है, फटाफट से आंसर दीजिए। आप लोग का आंसर आ रहा है, आप लोग का आंसर आ रहा है यहां पर, आपका आंसर आ रहा है आइडेंटिफाई द डोजेस फ्रॉम विच गिवन बिलो। सपोजिटरी, सपोजिटरी जब आप एडमिट करते हैं तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, एक तरफ से नुकीली होती है, तरफ से बेसल से ब्लंड होती है। नेक्स्ट नंबर पर सपोजिटरी एडमिट करते समय पेशेंट को बोला जाता है कि भैया गहरी सांस लेना, मुंह खोल करके सांस लेना, ताकि एक्सटर्नल ट्रांसमिटर रिलैक्स रहे और इजिली अपन क्या करें कि सपोजिटरी को एडमिट कर सके। जायलोकेन से इसको लैब्रिकेट करना है और उसके बाद में इंटरनल इंस्पेक्टर से 4 इंच करीब इसको क्या करना है, एडमिट करना है, इंडेक्स फिंगर का यूज करना है, और सपोजिटरी एडमिट करने के बाद में दोनों हिप्स को मिलाना है, ना कि उसको चलने फिरने की सलाह देनी है। 5 मिनट तक उसको एज इट इज पोजिशन में लेटने की सलाह देनी है, सेम पोजिशन में एडमिट करनी है। इस प्रकार से जो आपके जो कंसेप्ट बनते हैं सपोजिटरी से, सारे मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए। तो करेक्ट आंसर है आपका ए। पैसरी क्या होता है? पैसरी वेजाइनल सराउंडिंग स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है, फीमेल पेशेंट के अंदर वेजाइना के अंदर एडमिट किया जाता है। डच एक जर्मन वर्ड होता है, डच कहां से? वेजन वॉश कंडीशन के लिए यूज में लिया जाता है। इस प्रकार की इसकी जो डायग्राम होता है। तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जूनियर नर्स, जूनियर नर्स कह रहा है इज प्रोवाइडिंग सपोजिटरी टू अ पेशेंट, विच स्टेप परफॉर्म्ड बाय द जूनियर नर्स रिफ्लेक्ट हर टू पुअर अंडरस्टैंडिंग। अरे ये जो सारे हैं वो सही है, अब एक काम कर रहा है वो गलत कर रहा है। रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सपोजिटरी, सपोजिटरी को एडमिनिस्टर्ड करते समय एक जो काम है वो गलत कर दिया, बाकी सारे के सारे सही है। फटाफट से आंसर दे, मैंने समझा दिया था आपको, फटाफट से आंसर दे, मैंने समझा दिया था, फटाफट से आंसर दे। फटाफट से आंसर देने हैं आपको। डी इज द करेक्ट आंसर। प्लेस द पेशेंट इन सिम्स पोजिशन, बिल्कुल सही है। यूज केवाई जेली लुब्रिकेट, बिल्कुल सही है। इंसर्ट द सपोजिटरी अबाउट 4 इंच, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर पे इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, इंडेक्स फिंगर के द्वारा देंगे, इंटरनल इंस्पेक्टर से 4 इंच अंदर की तरफ देंगे, पेशेंट को मुंह खोल करके सांस लेने की सलाह देंगे, ताकि एक्सटर्नल इंस्पेक्टर क्या हो, डायलेट हो, और इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू वॉक इमीडिएटली। इमीडिएटली वॉक नहीं करना है, दोनों हिस्सों को जोड़ करके रखना है और बोलना है तकरीबन 5 मिनट तक आप सेम कंडीशन में बैठे रहे। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी, डी नहीं करना है, चलने फिरने की सलाह तुरंत नहीं देनी है। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स अनीता अंडरस्टैंड दैट द इन्फॉर्म कंसेंट इज बेस्ड ऑन द विच एथिकल प्रिंसिपल। देखने में छोटा है, लंबा क्वेश्चन बनने में टाइम नहीं लगेगा, कंसेप्ट को समझना है आपको।
कौन सा इन्फॉर्म कंसेंट लेते समय कौन सा एथिकल प्रिंसिपल वर्क करता है? सबको पता है ऑटोनॉमी, पेशेंट की मर्जी हो तो करवाए, पेशेंट की मर्जी नहीं हो तो नहीं करवाए। इसमें पेशेंट की ऑटोनॉमी एथिकल प्रिंसिपल को शो कर रहा है। करेक्ट आंसर आर डी। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे फटाफट से कर लेते इसको। टर्मिनल इल पेशेंट है, एडमिटेड विद अ क्रॉनिक लिवर सिरोसिस कंडीशन है। आई कांट स्लीप, आई कैन वेट अबाउट रेस्पॉन्स बाय द नर्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। जिसके अंदर उसकी दमित भावनाओं को बाहर निकाला, शायद तक क्वेश्चन दोबारा से आ गया है ये। करेक्ट आंसर बी, दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, फटाफट से आंसर को दे। द टर्म पिंक पफर्स डिपिक्टेड इन द इमेज रेफर टू द क्लाइंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। पिंक पफर, अरे यार दो कंडीशन याद रखना, ब्लू ब्लोटर्स, ब्लू ब्लोटर्स और पिंक पफर। पिंक पफर दोनों कंडीशनों को याद रखना है। ये तो आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कंडीशन में देखने को मिलेगी, और पिंक पफर आपको देखने को मिलेगी एम्फाइजमा कंडीशन में, और या फिर दोनों में मिलाकर के बोलते हैं सीओपीडी में। समझ रहे हैं बात को? तो क्या होता है जब पेशेंट में एम्फाइजमा होता है, तो एम्फाइजमा कंडीशन में क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है कि एयर ट्रैप हो जाती है एल्वियोलाई के अंदर से, और यहाँ पर CO2 भरी होती है। तो पेशेंट के अंदर क्या होता है कि पेशेंट में हाइपर कैपनिया कंडीशन हो जाती है। अब हाइपर कैपनिया कंडीशन को ट्रीट करने के लिए पेशेंट क्या करता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो इस कंडीशन में उसके जो गाल की मसल्स हैं वो क्या होती हैं, रेड हो जाती हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं पिंक पफर्स कंडीशन। और कंटिन्यूअसली इसी एडवांटेज के कारण से पेशेंट का वेट लॉस होता है। तो याद रखें, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट का वेट गेन होता है, एम्फाइजमा के पेशेंट का वेट लॉस होता है। याद रखिएगा थोड़ा सा कंसेप्ट को। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। अरे बेटा गलती मत करो, सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस कंडीशन, ये कोई वर्ड ही सीओपीडी बोल दे, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कंडीशन बोल दे तो समझ में आता है। समझ रहे हैं? और सीओपीडी के अंदर भी मैंने आपको डिफरेंशिएट किया है, ब्लू ब्लोटर्स प्रेजेंट इन द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कंडीशन एंड पिंक पफर्स प्रेजेंट इन द एम्फाइजमा कंडीशन। तो सीओपीडी बोले तो समझ में आता, करते तो गलत होता। पहले पढ़ लेते उसके बाद में आंसर देते बेटा। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई खास क्वेश्चन नहीं है ईसीजी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बिलो, ड्यूरिंग विच इंटरवेल, ड्यूरिंग विच इंटरवेल ऑन द ईसीजी डोज डज, कौन सा इंटरवेल ये बता दो आप। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को कौन सा क्लियर कर रहा है? नेक्स्ट नंबर बता दो, क्यूटी को कौन सा इंटरवेल कंफर्म कर रहा है? एसटी सेगमेंट को कौन सा कंफर्म कर रहा है? इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों के सामने। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर आपके सामने जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन क्वेश्चनों पे आपको ध्यान देना है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बी को इंडिकेट कर रहा है, क्यूटी इंटरवल बी से डी को इंडिकेट कर रहा है, और सी कर रहा है एसटी को। किसको कर रहा है? सी कर रहा है एसटी को। तो इसी के साथ अभी मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं। 15 मिनट बाद में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अप्रॉक्स अपन 50 क्वेश्चंस करीब कर चुके हैं, अब आप लोगों से दोबारा से मुलाकात होगी। एक जरूरी सूचना, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल आ चुका है। तो फटाफट से विदाउट वेस्ट आपको क्या करना है, स्कैन करना है और ग्रुप में जुड़ना है। अब आप बोलेंगे स्कैन करने के लिए मुझे थोड़ा साइड में होना चाहिए, तो मैं साइड में हो जाता हूँ। फटाफट से स्कैन करें और ग्रुप में जुड़ें और अपने आप को प्रदर्शित करें, कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पर अपडेट करें। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे सही 15 मिनट के बाद में। राजू सी सर आपको फटाफट अपने रसगुल्लों का वेट करेंगे, और मैं अपनी क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। दोबारा से मैं आपसे मिलूंगा आफ्टर सम टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्कर्ष।